नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। ये हमारा मोटर के बॉक्स के लिए मोटर रखा हुआ है। इसके अंदर मोटर को कवर कर दिया। इसको हमने ये एल्युमिनियम का पल्ला लगा के चौखट इसमें हमने 2.5-1.5 की लगा दिया है आउटर। और जो पल्ला लगाया है हमने, ये 1.25-1.25 का लगाया हमने, तो पूरा मोटर बॉक्स बन गया है। नीचे एक हमने 4 इंची पावर बोल्ट भी लगा दिया है, जिससे कि हमारा पल्ला बिल्कुल इसमें बंद रहे सही तरीके से। ये देखिए, ये हमारा पूरा मोटर का बन गया है। ये देखिए, हमारी मोटर रखी हुई है इसके अंदर, और हमने ये पूरा मोटर बॉक्स बना दिया है पल्ला लगा के। इसमें बाकायदा पल्ला जो लगाया हमने, ये 1.25-1.25 लगाया हुआ है, और आउटर जो है 2.5-1.5 में लगाया हुआ है। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हुई हैं पहले से, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके, तो आप सारी वीडियो को देख के तो कमेंट्स करके बताएं कि आपको कौन सी वीडियो सही लगी है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। तो आइए, ये मेरा मोटर का एक हमारा ये आ गया, ये भी हमारा मोटर का बॉक्स आ गया। ये हमने फ्रेम आउटर फ्रेम लगा दिया 2.5-1.5 में। ये एनोडाइज 2.5-1.5 है हमारी, और इसको भी हमने कवर कर दिया है 2.5 इंची बाई 1.5 इंची सेक्शन से। और ये एक जो साइड में आप देख रहे हैं, ये हमने कंप्लीट कर दिया है। इसमें हमने पल्ला लगा के सीट लगा दी है पूरी। ये जो इसमें बीच में एल्युमिनियम सीट लगाई हुई है, ये आपकी बारिश से कभी ख़राब नहीं होती है, और ये बारिश में रहेगी, कोई जंग नहीं लगेगी, कोई सड़ेगी नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और ये फ्रेम हमने बनाए हैं, ये हमने 1 इंची 1 इंची ट्यूब लगा के इसमें जाली लगा दी है सभी में। ये देखिए, ये हमारी लकड़ी के खिड़की लगी हुई है, उसके बाहर से जाली लग गई। ये आपकी सड़ने वाली नहीं है, गलने वाली नहीं है, इसलिए हमने ये बाहर से एल्युमिनियम में जाली लगाई हुई है। इस जाली में पेंट हो जाएगा बाकायदा फर्स्ट क्लास करके, तो ये आपकी टिकाऊ चीज़ बन जाएगी। इसमें भी हमने डबल पल्ला लगाया, ये देखिए। हिंजिस हमने लगाए हैं, 4 इंची हिंजिस लगाए हुए हैं इसमें। हैंडल इसमें 2 D हैंडल लगा दिए। ये देखिए, इस तरह ये आपका पूरा मोटर अंदर ढक गया है। Yeah.